जिस मुद्दे पर उंगली रखिएगा वो मुद्दा घूम फिर के 2019 तक क्यों पहुंच जाता है। मुश्किल ये नहीं कि काश मैं मंत्री होता, अगर प्रधानमंत्री होता, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जुड़ जाता तो क्या होता, ये भी आपको दिखाते हैं। इसके लिए लिए चलते हैं आपको बिहार। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में विकास की बयार, भ्रष्टाचार के कंधे पर सवार, किस रफ्तार से बह रही है, आइए आपको लिए चलते हैं सरकारी सिस्टम के बीच सरकारी सिस्टम को ही समझने। क्योंकि गया की ये तस्वीर है चमंडी गांव की। गया के चाकंद रेलवे स्टेशन के ठीक पास में जमीन भारतीय रेलवे की है, लेकिन यहां प्रधानमंत्री आवास के तहत घर बना दिए गए और जब घर बनकर तैयार हो गए तो रेलवे की नींद टूटी। रेलवे ने अतिक्रमण का हवाला देते हुए पहले जमीन को खाली करवाया, सरकारी नोटिस थमाया, फिर 30 परिवारों के आशियाने पर इनकी ही नजरों के सामने बुलडोजर फिरा दिया। योजना नया रेलवे वार्ड बनाने की अब हो चली है। तो कोई रोजगारो भी नहीं कि कमा के खा सकते। हम लोग 2 महीना से तो बगैर अन्न पानी के मर रहे हैं। हम लोग के घर रहने की जगह नहीं है, न रोजगार के कुछ है, न आप कुछ है सर, हम लोग कहाँ जाएं बताइए। आप ही लोग ने सरकारें ने हम लोग के निर्णय करेगा, कौन करेगा। अब के नहीं जाएंगे बरसात के, तो उससे रिक्वेस्ट लिए कि नहीं, तैयो जबरन आके किया। क्या लोग कर्मचारी लोग जितना जो है अपना बोले कि ठीक है इसमें बन जाएगा। हम लोग सर बोले भी कि सर रेलवे का ही जमीन है सर, कब ले लेगा कोई ठिकाना भी नहीं है। तो अरे तुम लोग का रहने से मतलब है, क्या जरूरत है उतना करने के लिए। तो अपनी आंखों के सामने जब अपना आशियाना टूटता है तो दर्द तो होता है और दर्द हो रहा है, और ये दर्द देने वाला और कोई नहीं बल्कि वही सरकारी सिस्टम जिसके कंधों पर सरकारी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी बनती किसकी है जरा समझ लीजिए, क्योंकि पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना मुखिया के हाथ में होती है, फिर वार्ड सदस्य भी योजना में शामिल होता है, ग्रामीण आवास सहायक और फिर प्रखंड विकास अधिकारी यानी पीडीओ तक का दफ्तर भी योजना के लाभार्थियों की बारीकी से जांच करता है। लेकिन प्रखंड विकास अधिकारी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं लाभार्थी के शपथ पत्र के आधार पर लाभ दे दिया गया। वो स्वयं शपथ पत्र भी देते हैं कि किस जमीन पर उनको आवास बनाना है और लेने को इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर ऐसे लोग चिन्हित होकर आते हैं जिन्होंने लिया हुआ है, तो देखा जाएगा कि किस परिस्थिति में लिया था उन्होंने। तो समझना मुश्किल सिस्टम काम कैसे करता है। पीएम आवास योजना है और टारगेट सामने है, तो फिर घर देखें या जमीन। योजना का रुपया बांटने में कमीशन तय है, तो फिर कमीशन देखें या दस्तावेज परखें। और मुफ्त की जमीन पर घर मिल रहा है तो फिर झूठ क्या और सच क्या। यानी सिस्टम ऐसा कि सरकारी योजना की पूंजी पर सरकार को ही चूना लगाकर सरकारी अधिकारी मस्त है। अब किसका घर रहा, कौन आसमान तले है, और बिना पक्का घर बनाए कैसे रेलवे की जमीन पर रहा जा सकता है, और बनने पर क्या होता है, सब कुछ आंखों के सामने है। एपी न्यूज के लिए गया से अजीत कुमार की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।